यहाँ पे सबसे पहले आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे देखो, एक ये कॉपी पेस्ट वाला चैनल है और इस चैनल पे 28 वीडियो डाला गया, यहाँ पे 28 वीडियो डाला गया और इस चैनल पे 28 वीडियो से 76.7 के सब्सक्राइबर्स गेंद हुए हैं। यहाँ पे आप अपने आंखों से देखो, और इस चैनल का नाम है MZ Official 2। एंड यहाँ पे कॉपी पेस्ट वीडियो डाला जा रहा है और ये चैनल मोनेटाइज है, पैसा भी कमा रहा है, महीने का लाखों रुपया कमा रहा है और ऐसा वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे भी डाला जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसका पॉपुलर व्यूज दिखा दूं आपको कि इस चैनल पे पॉपुलर व्यूज कैसे आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप इसका व्यूज देखो, 28 मिलियन, 3.7 मिलियन, 888 के व्यूज और 552 के, 245, 108, मतलब इस ये चैनल नया है और इस चैनल पे ऐसे अभी व्यूज आ रहे हैं भर भर के। ठीक है, और मैं आपको ऐसा चैनल इंस्टाग्राम पे भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे कॉपी पेस्ट वीडियो डाला जा रहा है और यहाँ पे मात्र 93 वीडियो डाला गया है और यहाँ पे 18.4 के फ्लोवर्स भी गेन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो इनके वीडियो में कैसे व्यूज आ रहा है, यहाँ पे 12 के, 12.1 के, 31 के, 16 के, 23 के, यहाँ पे भी 10 के से ऊपर ही व्यूज आ रहा है। ठीक है, और ऐसा वीडियो फेसबुक पे भी डाला जा रहा है, आप जाकर चेक कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको चेक करा दूं कि ये चैनल मोनेटाइज है या नहीं है, तो मैं इसका यहाँ पे, मैं यहाँ 3 डॉट पे क्लिक किया और शेयर पे क्लिक किया और इस चैनल का लिंक कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं सोशल ब्लेड पे आ जा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपने फोन में सोशल ब्लेड टाइप कर दिया, इसका लिंक ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे चैनल का लिंक पेस्ट कर दे रहा हूँ एंड यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, सर्च कर दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ ही देर में आपको पता चल जाएगा कि ये चैनल महीने में कितना डॉलर कमा रहा है, इसका महीने में कितना रेवेन्यू बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जस्ट देख सकते हो ये चैनल महीने में 834 डॉलर से लेकर 13K डॉलर तक कमा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों 834 डॉलर बहुत ज्यादा होता है, महीने का कोई 50-60 हज़ार रुपया कमा ले, 40-45 हज़ार रुपया कॉपी पेस्ट करके वीडियो से, तो ये बहुत होता है। ठीक है, और आप भी शॉर्ट्स वीडियो डालते हो अपने चैनल पे, तो जस्ट मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि कैसा है ये वीडियो डाला जा रहा है कॉपी पेस्ट करके। ठीक है, और ऐसा वीडियो मैं आपको बनाने सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप शॉर्ट्स वीडियो बनाते हो या आप एक नया चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, ये वीडियो आइडिया आपके लिए बेस्ट है और चैनल आइडिया भी बेस्ट है। पहले मैं यहाँ पे आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे कैसे वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेटेस्ट पे आ गया, पॉपुलर पे आ गया और यहाँ पे देखिए ये एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि ये कॉपी पेस्ट वाला वीडियो है, यहाँ पे ये जो मतलब अभिनेत्री है, जो भी ये हीरोइन है, तो इनका पुराना फोटो और नया फोटो को कंपेयर करके गाना लगाकर एनिमेशन वीडियो बनाकर इसको यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया गया है, फेसबुक पर, और लोग व्यूज लाखों छाप रहे हैं, लाखों रुपया कमा रहे हैं। ठीक है, जस्ट मैं एक दूसरा वीडियो इनका प्ले करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ शॉर्ट्स, यहाँ पे ये शाहरुख खान का वीडियो है, मैं यहाँ पे इनका वीडियो प्ले करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका पुराना फोटो लगाया गया और नया फोटो लगाया गया। ठीक है, और वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया। तो जस्ट आप ऐसा वीडियो कैसे बना पाओगे, मैं आपको जस्ट बनाकर दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से बैक आ जा रहा हूँ, यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे इजिली मिल जाएगा। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है, आप किसी भी हीरो का फोटो यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको टाइप करना है, मान लो मैं सलमान खान कर दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ओल्ड इमेज लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ओल्ड फोटो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा सलमान खान का पुराना फोटो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको सलमान खान का फोटो डाउनलोड कर लेना है, पुराना वाला फोटो जो भी होगा डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे आपको सलमान खान का लेटेस्ट फोटो डाउनलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से लिख देना है सलमान खान, लेटेस्ट मूवी भी आप लिख सकते हो, तो यहाँ पे सलमान खान का लेटेस्ट वाला फोटो आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आपको फोटो डाउनलोड कर लेना है, ये नया फोटो है सलमान खान का। ठीक है, एंड इसके बाद आपको करना क्या है, अक्षय कुमार का भी फोटो डाउनलोड कर लेना है, पुराना वाला फोटो और नया वाला फोटो। ठीक है, यहाँ से जस्ट आपको ऐसे फोटो डाउनलोड कर लेना है, अक्षय कुमार का बहुत सारा फोटो मिल जाएगा आपको पुराना वाला, यहाँ से देखो मैं कैसे डाउनलोड कर रहा हूँ, ऐसे कर लेना। एंड यहाँ पे आप इनका लेटेस्ट वाला भी फोटो डाउनलोड कर लेना है, तो यहाँ पे अक्षय कुमार का ये लेटेस्ट फोटो भी आ गया है, आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अमिताभ बच्चन का भी फोटो डाउनलोड कर ले रहा हूँ, AMIT, यहाँ पे अमिताभ बच्चन का ओल्ड फोटो आ गया है, आपको जस्ट डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, एंड लेटेस्ट फोटो भी डाउनलोड कर लेना है,
यहाँ पे इनका लेटेस्ट भी फोटो आ गया है, आपको जस्ट डाउनलोड कर लेना है। इतना करने के बाद आपको जस्ट करना क्या है, यहाँ से बैक आना है और मैं काइन मास्टर एप्लीकेशन से वीडियो एडिट करता हूँ, तो आप काइन मास्टर से या किसी भी एप्लीकेशन से कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास काइन मास्टर है, मैं इसको ओपन कर ले रहा हूँ। ओपन करने के बाद आपको इंटरफेस कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे शॉर्ट वीडियो बनाना है तो 9:16 रेशियो सेलेक्ट कर लेना है एंड क्रिएट पे क्लिक कर देना है। एंड क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इमेज असिस्टेंस, ठीक है। तो इस पे क्लिक करके आपको कोई एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पे मैं ब्लैक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लिया। एंड यहाँ पे इस इमेज का आपको लेंथ ऐसे बढ़ा देना है, ठीक है। बढ़ाने के बाद आप जो भी फोटो डाउनलोड किए हो इमेज सर्च में एप्लीकेशन से, आपको यहाँ पे लाना है उस फोटो के, तो आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, और यहाँ पे मैं जो भी फोटो डाउनलोड किया हूँ उस फोटो को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक किया और यहाँ पे सलमान खान का फोटो मैं डाउनलोड किया था, तो पहले सलमान खान का फोटो ले लिया यहाँ पे, आप देख सकते हो। और यहाँ पे इमेज के लेयर पे क्लिक करना है एंड आपको ऊपर लाकर ऐसे जूम कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसे जूम कर लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद आप जो लेटेस्ट फोटो डाउनलोड किए हो उसको भी यहाँ पे लाना है, तो आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, और जो भी लेटेस्ट फोटो होगा सलमान खान का उसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे आपको करना क्या है, ऐसे पकड़ के इसको भी ऐसे जूम कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ये दो फोटो लग गया, ठीक है। एंड आपको करना क्या है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। तो आपको टेक्स्ट लिखने के लिए लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिख देना है, आप हिंदी या इंग्लिश कुछ भी में लिख सकते हो। तो मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ओल्ड फोटो OLD एंड फोटो PHOTO, ठीक है। यहाँ पे ओल्ड फोटो लिखने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से सेट कर देना है, ठीक है। एंड इसको आपको कॉपी करना है, तो कॉपी करने के लिए आपको यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना है, तो डुप्लीकेट हो जाएगा। एंड डुप्लीकेट वाले को यहाँ पे नीचे लाना है और यहाँ पे आपको लिख देना है, अब यहाँ पे इसको आपको एडिट करके लिखना है। यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये एडिट का ऑप्शन है, तो इस पे आपको एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिख देना है लेटेस्ट फोटो LAT, ठीक है। एंड ओके कर देना है, तो यहाँ पे ओल्ड एंड लेटेस्ट फोटो हो गया, ये ऊपर वाला जो है ये ओल्ड फोटो है, ये लेटेस्ट फोटो है, तो आपको ऐसे कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अमिताभ बच्चन का फोटो लेना है, तो लेयर पे क्लिक करना है, सेम प्रोसेस रहेगा, मीडिया पे क्लिक करना है, यहाँ पे अमिताभ बच्चन का पुराना वाला फोटो ले लेना है एंड लेटेस्ट वाला फोटो ले लेना है। लेने के बाद आपको यहाँ पे इस लेयर को आगे बढ़ाना है, पकड़ लेना है ऐसे ऐसे आगे बढ़ा लेना है, ठीक है। आगे बढ़ाने के बाद ये नया वाला भी फोटो को आगे बढ़ा लेना है, ठीक है। बढ़ाने के बाद आपको करना क्या है, इस फोटो के लेयर पे क्लिक करना है और इसको ऊपर ले जाके एकदम सेम प्रोसेस एडजस्ट करना है, ठीक है। इस लेयर पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ले जाना है और इसको सेम वैसे ही एडजस्ट कर देना है, ठीक है। सेम प्रोसेस रहेगा, फिर नए वाले फोटो पे क्लिक करना है, इसको भी यहाँ से लाना है यहाँ पे और इसको भी एडजस्ट कर देना है ऐसे, ठीक है। आपको ऐसे सही तरीके से एडजस्ट कर देना है। यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार का एडजस्ट कर दिया हूं, ऐसे एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपको ये वाला टेक्स्ट वाला जो लेयर दिख रहा है, तो टेक्स्ट वाले के लेयर पे क्लिक करना है, यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ब्राइट टू फंड कर देना है, ठीक है। और इस पे भी क्लिक करना है और इस 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ब्राइट टू फंड कर देना है, ठीक है। और इसका लेयर आपको बढ़ा देना है खींचकर अपने फोटो इतना, ठीक है, आपका जहां तक फोटो है, ठीक। और इसको भी आपको ऐसे बढ़ा देना है, ठीक है, खींचकर इस लेयर, एंड आपको प्ले करके देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार के फोटो लग गया है और ओल्ड फोटो लेटेस्ट फोटो ऊपर हो गया है, तो इसमें आपको थोड़ा क्या करना है, ओल्ड फोटो वाले लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फ्रंट पे क्लिक करना है और कोई आपको फ्रंट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रोबोटो बोल्ड कर दे रहा हूँ एंड यस कर दे रहा हूँ, कुछ इस प्रकार के हो जाएगा। फिर दूसरे वाले फ्रंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फ्रंट सेलेक्ट करना है और आप जो भी फ्रंट लगाना चाहते हो लगा लेना है, मैं रोबोटो बोल्ड लगा दिया। एंड यहाँ पे आपको कलर भी करना है, ठीक है, तो आप जैसा भी कलर करना चाहते हैं कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो भी कलर करना होगा कलर कर लेना है, यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार का रेड कर दे रहा हूँ, ठीक है। ओके
एंड ऊपर वाला भी मैं कुछ रेड प्रकार का कर दे रहा हूँ। ओके एंड यहाँ पे आपके आपको एक बैकग्राउंड भी लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे में आओगे तो आपको एक ये बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको अनेबल करना है, यहाँ पे फिल कर देना है पूरा, और उसके बाद आपको यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार के हो जाएगा, फिर नीचे वाले में भी आपको बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर पे आना है, अनेबल करना है, एंड यहाँ पे आप इसको कुछ इस प्रकार के कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेट हो गया है, और जो भी एक्स्ट्रा भाग होगा आपको ट्रिम कर देना है, ठीक है। यहाँ से ये एक्स्ट्रा भाग है, ट्रिम करके राइट ट्रिम कर देना है, और इसको भी आपको ऐसे थोड़ा बढ़ा लेना है, ठीक है। एंड ये वीडियो हमारा बनकर तैयार हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई लेटेस्ट सॉन्ग यूज कर लेना है, लेटेस्ट सॉन्ग सेलेक्ट करना है जो ट्रेंड में चल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई एक सॉन्ग यूज कर लोगे, मैं यहाँ पे चलिए ऑडियो पे क्लिक कर दे रहा हूँ, यहाँ पे सॉन्ग पे क्लिक कर रहा हूँ, और मेरे पास ये एक पॉप वाला सॉन्ग है, मैं इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ऐड कर ले रहा हूँ, ठीक है। और इसको जस्ट मैं आपको प्ले करके दिखा दे रहा हूँ। एंड आपको करना क्या है, इतना काम करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा भाग होगा इसको आपको ट्रिम कर देना है ऑडियो का, ठीक है। ट्रिम करने के बाद आप चाहो तो इसमें एनिमेशन भी लगा सकते हो, इस वाले फोटो में यहाँ पे इन एनिमेशन कर सकते हो फेड, एंड नीचे वाले भी फोटो में एनिमेशन कर सकते हो यहाँ पे फेड, ठीक है। और इसके आउट में भी एनिमेशन आप लगा सकते हो, ठीक है। तो आउट एनिमेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे साइड अप कर देना है, एंड नीचे वाला में भी आउट एनिमेशन पे क्लिक करना है, साइड अप कर देना है, ठीक है। यहाँ पे दोनों में एनिमेशन लग गया, आपको प्ले करके देख लेना, कुछ इस प्रकार की है। और दोस्तों ये वीडियो बनकर तैयार हो गया है, आपको यहाँ से जस्ट सेव कर लेना है गैलरी में, यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पे क्लिक करना है, और यहाँ से आप जो भी फॉर्मेट में करना चाहते हो कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ से हाई क्वालिटी लो कर लेना है, और यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये वाला सेव का ऑप्शन, तो जस्ट इस पे आपको क्लिक कर देना है, और ये वीडियो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। सो दोस्तों आपको कमेंट में बताना है ये चैनल आइडिया या वीडियो आइडिया कैसा लगा, और मेरे चैनल पे पहली बार होती है यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ में बेल आइकन दबा दो। सो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।